हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मॉब ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आज का वीडियो बहुत ही जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप से रिलेटेड 10 ऐसी टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही नई नई टिप्स और ट्रिक्स लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों, पहली ट्रिक में हम सीखेंगे किस तरीके से आप ग्रुप चैट में किसी स्पेसिफिक मैसेज का रिप्लाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जैसे आपको किसी मैसेज को रिप्लाई देना है तो उसको आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा। लॉन्ग प्रेस करने के बाद वो सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको ये बटन प्रेस करना होगा। उसके बाद देखिए, इधर आपको उस मैसेज के रिप्लाई में जो भी लिखना है आपको वो आप लिख सकते हैं। और लिखने के बाद आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो स्पेसिफिक मैसेज का रिप्लाई देना है वो ठीक उसी मैसेज के रिप्लाई में चले जाएगा सामने वाले के पास। तो दूसरी ट्रिक में देखेंगे दोस्तों कि आप किस तरीके से फॉन्ट्स के फॉर्मेट को चेंज करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होता है, ये देखिए कुछ अलग अलग इसमें सेटिंग्स है। ये देखिए, आप अगर आपको ऐसा बोल्ड बोल्ड लिखावट करनी है तो आपको स्टार, फिर उसके बाद जो भी आपको टाइप करना है मैसेज करना है उसके बाद फिर स्टार, उसके बाद आपको ऐसा सेंड कर देना है। उसके बाद चलिए दूसरा देख लेते हैं। इसके लिए आपको ये देखिए अंडरस्कोर, फिर उसके बाद जो भी मैसेज आपको करना है फिर उसके बाद फिर अंडरस्कोर, फिर इसके बाद सेंड हो जाएगा। हमारे अलग अलग टाइप फॉर्मेट में आपको सेंड हो जाएगा। तो ऐसे कुछ और भी हैं जिसमें देखो आप ऐसा तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, चार अलग अलग फॉर्मेट्स में आप सेंड कर सकते हैं किसी को भी मैसेज। तो दोस्तों, अगली हम ट्रिक में सीखेंगे कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके द्वारा भेजा हुआ मैसेज किसने किसने पढ़ा है और किसके किसके पास डिलीवर हुआ है। तो जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि ये एक ग्रुप है और इसमें मैंने अभी एक मैसेज भेजा था। तो जो इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद ये आई बटन पर क्लिक करेंगे। आई बटन क्लिक करने के बाद हमको इधर मालूम पड़ जाएगा, ये देखिए रीड बाय, ये देखिए जिन जिन लोगों ने इसको रीड किया है उसको इधर देखिए ब्लू टिक करके आ रहा है, और जिन्होंने जिसके जिसके पास डिलीवर्ड हुआ है, जिन्होंने अभी इसको केवल प्राप्त किया है, अभी उन्होंने इसको मैसेज को पढ़ा नहीं है, तो उनका नाम इधर लिख के आ रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका मैसेज किन लोगों ने पढ़ा है और किन लोगों के पास डिलीवर हुआ है। तो दोस्तों, अगर अगली ट्रिक में हम सीखेंगे किस तरीके से आप GIF सेंड कर सकते हैं किसी को भी व्हाट्सएप पर GIF सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, आपको जिसको भी GIF सेंड करना है उसका उसका चैट ओपन करना होगा, उसके बाद आपको इधर जाना होगा, फिर उसके बाद आपको गैलरी से या फिर कैमरे से जैसे भी आपको GIF सेंड करना है उसको आपको कोई भी एक वीडियो चूज करना होगा। तो चलिए ये वीडियो चूज कर लेते हैं। वीडियो चूज करने के बाद आपको मिनिमम आपको 6 सेकंड से ज्यादा GIF सेंड करने का परमिशन नहीं मिलता है। तो चलिए इसको 6 सेकंड कर देते हैं, 6 सेकंड। 6 सेकंड तक होने के बाद देखिए इसमें एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ये देखिए इधर एक ऑप्शन दिख जाएगा जिससे आप एक GIF मेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको आप सेंड कर देते हैं, अभी हमारा ये GIF सेंड हो जाएगा। ये देखिए, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं सेंडिंग GIF टू राहुल टू। तो इस तरीके से आप कोई भी वीडियो को एक GIF बना के सेंड कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आप किसी भी चैट कन्वर्सेशन को मेल के द्वारा कैसे सेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये चैट है, चैट कन्वर्सेशन है, इसको अगर हमको किसी को सेंड करना है तो हम मेल से कैसे सेंड करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इधर 3 डॉट्स है, इसको आपको क्लिक करना होगा, मोर पे जाना होगा, फिर उसके बाद ईमेल चैट पे जाना होगा, फिर उसके बाद आपको जिधर से भी ईमेल से या फिर जीमेल से जैसे भी आपको सेंड करना है आप उधर से जाके सेंड कर सकते हैं। इधर जिसको भी आप सेंड करना है उसका ईमेल आईडी डाल के आप इसको सेंड कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगली ट्रिक में हम सीखेंगे किस तरीके से आप व्हाट्सएप कॉलिंग के दौरान खर्च होने वाले डाटा को आप कम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इधर देखिए 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स पे जाना होगा, सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको डाटा यूजेस में जाना होगा। डाटा यूजेस में जाने के बाद आपको इधर देखिए लो डाटा यूजेस, ये बाय डिफॉल्ट अनक्लिक रहता है, तो इसको आपको ऐसा सिलेक्ट करना होगा जिससे आपके
व्हाट्सएप कॉलिंग के दौरान डाटा कम खर्च होगा। तो दोस्तों अगली ट्रिक में हम सीखेंगे किस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट का जो लास्ट सीन और रीड स्टेटस को आप हाइड कर सकते हैं। तो रीड स्टेटस और लास्ट सीन को हाइड करने के लिए आपको इधर सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग में जाने के बाद आपको अकाउंट में जाना होगा, फिर प्राइवेसी में जाना होगा। उसके बाद देखिए लास्ट सीन इधर आपको ऑप्शन मिलता है एवरीवन माय कॉन्टैक्ट नोबडी। तो आप इधर चाहें तो जैसा आप चाहें वैसे हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो और इधर आप देखिए रीड रिसिप्ट, इधर ये बाय डिफॉल्ट एक क्लिक रहता है तो सिलेक्ट रहता है, जिसको आपको अनसिलेक्ट करना होगा। इससे आपको क्या होगा, जब भी आप कोई मैसेज पढ़ेंगे तो ये सामने वाले को मालूम नहीं पड़ेगा कि मैसेज आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ब्लू टिक का ऑप्शन सामने वाले को नहीं दिखेगा। और यही बात आपको भी है कि आपको भी ब्लू टिक नहीं दिखेगा। तो ये ऐसा सिस्टम है, इसमें इधर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। अगली ट्रिक में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप व्हाट्सएप पे फोटो एडिट करके भेज सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इस पे कोई फोटो सेंड करके देख लेते हैं। तो इधर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है फोटो सेंड करने का, फोटो सेंड करने का। इधर से चलिए हम कोई भी एक फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मैं एक फोटो इधर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इधर सिलेक्ट करने के बाद इधर आपको देखिए कुछ नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप ये फोटो को क्रॉप कर सकते हैं, जैसा भी आपको क्रॉप करना है क्रॉप कर सकते हैं। इधर आपको कुछ अलग अलग स्टिकर्स मिल जाते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। इधर आपको टेक्स्ट लिखने को मिल जाता है, जिसको आप अपने को टेक्स्ट लिख सकते हैं और इस कलर टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो और इधर आपको कुछ और एडवांस ऑप्शन मिल जाता है, जिसके थ्रू आप कुछ भी ऐसे हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं, कलाकारी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इधर आपको एक कैप्शन, कुछ भी चीज़ आपको जो भी टाइप करके भेजना है आपको इधर सेंड कर सकते हैं किसी को भी। तो ये कुछ अलग फीचर है, नया फीचर है व्हाट्सएप के द्वारा दिया हुआ। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि व्हाट्सएप पे जो स्टार्ट मैसेज है उसका क्या उपयोग है और उसको कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई ग्रुप आप पढ़ रहे हैं, इसमें अगर आपको कोई मैसेज ऐसा लगता है कि जो आपको बाद में भी यूज आएगा, बाद में भी काम आएगा, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बाद में पढ़ने के लिए आपको फिर से वो ग्रुप खोल के वो मैसेज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होता है, आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना होगा और इसको स्टार पे क्लिक करना होगा। इससे आपका जो मैसेज है स्टार्ट हो चुका है, जिसको आप कभी भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। इधर आपको अगर पढ़ना है वो मैसेज तो ये देखिए आपको इधर थ्री डॉट्स पे क्लिक करना होगा, स्टार्ट मैसेजेस पे क्लिक करना होगा और आपने जो भी मैसेज स्टार्ट किया हुआ है आपको इधर दिख जाएगा। अगर आपको इधर से रिमूव करना है तो अनइंस्टॉल ऑल को करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली ट्रिक में हम सीखेंगे किस तरीके से आप पॉपअप पा सकते हैं किसी भी चैट का रिप्लाई देने के लिए अपनी स्क्रीन पे। तो दोस्तों इसके थ्रू आप कोई भी चैट का आप रिप्लाई दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सेटिंग में जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन में जाना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में जाने के बाद आपको इधर देख सकते हैं पॉपअप नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन है, जिसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इधर आपको कोई भी एक चूज करके सेट करना होगा, जैसे ओनली व्हेन स्क्रीन ऑन, जब आपका स्क्रीन ऑन रहेगा जब ही एक पॉपअप आएगा, या फिर ओनली व्हेन स्क्रीन ऑफ, या फिर जब स्क्रीन ऑफ रहे तब भी पॉपअप आ सके, या फिर ऑलवेज शो पॉपअप, यानी कभी भी पॉपअप दिखेगा। तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि ग्रुप का भी मैसेज का पॉपअप आपके स्क्रीन पे आए, तो आप इधर सेट कर सकते हैं पॉपअप नोटिफिकेशन। ये ग्रुप के लिए है दोस्तों, आप ग्रुप के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए रोजाना इसी नई टेक वीडियो से लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड डे एंड टेक केयर।